एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्यार्थियों। ये जो हमारी क्लास थी, आखिरी जो क्लास हमने ली थी को डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में, उसमें हमने ये डिवीजन देखा था कि नोटोकोड के आधार पर और नोटोकोड की जो उपस्थिति होती है वो प्रोटोकोडेट में किस तरीके से होती है, ये हमने वहाँ देखा। इसी चीज़ को कोडेट क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। वो जो लेक्चर उसे हम मान सकते हैं कि वो कोडेट क्लासिफिकेशन या इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था, ये कोडेट क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ज़्यादा आपसे मुखातिब नहीं होकर सीधा अपनी जो स्लाइड्स हैं उन पर आता हूँ। ये देखिए आप, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। हेमिकोडेटा में एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो नोटोकोड जैसी है, बकल डाइवर्टिकुलम। यूरोकोडेटा, इसमें नोटोकोड है लेकिन अडल्ट में नहीं है, वो लार्वल स्टेज में पाई जाती है। सिफिलोकोडेटा में ये जो नोटोकोड है पूरे शरीर में पूरी लंबाई में आजीवन बनी रहती है, लेकिन बहुत प्रिमिटिव किस्म की है। आगे यहाँ से हम शिफ्ट होकर हायर कोर्डेट में आ गए थे। हायर कोर्डेट की हम बात कर रहे थे कि सब फाइल में वर्टिब्रेटा है जिसका एक्ने था और ब्रेंथोस्टोमेटा, दो इसके डिवीजन हैं। उन दो डिवीजन में दो सुपर क्लासेज है जिसकी हम एक की बात कर रहे हैं फिशीज, एक की बात कर रहे हैं टेट्रापोड। फिशीज वाले एनिमल हैं वो एक्वेटिक एनिमल हैं। टेट्रापोड के एनिमल जिसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम एम्फीबियंस, जो कि पहली बार एक्वेटिक एनवायरमेंट से टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में आ रहे हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एवीज और उसके बाद मैमल्स। ये इनकी जो क्लास के हैं ये सब टेट्रापोड के हैं। मैं आज की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों को ये बात बताना चाहता था कि जो विकास का प्रक्रम है, उस वो विकास का जो प्रोसेस है वो कहीं इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अब देखिए, पहले जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो हमने प्रोटोकॉर्डेट वाला पोर्शन देखा, इनमें तीनों में कहीं ना कहीं नोटोकोड है। यहाँ आगे हायर कॉर्डेट में आ जाएंगे, नोटोकोड इनसे रिप्लेस होकर वर्टिबल कॉलम बन जाएगी। वर्टिबल कॉलम धीरे धीरे, जब वर्टिबल कॉलम का जब विकास हुआ, वर्टिबल कॉलम के विकास के साथ ही वो जो जंतु जमीन पर चल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर चल रहे हैं, तो उनकी बॉडी जो लिम्ब से जमीन से ऊपर उठी हुई है, सारे ऑर्गन वर्टिबल कॉलम से सस्पेंडेड होते हैं। इसलिए वर्टिबल कॉलम ने उन टेट्रापोड्स को जमीन पर चलते समय उनके शरीर के अंगों को अवलंबन देने का कार्य किया है। वर्टिबल कॉलम की बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ एनिमल के मूवमेंट में। हम ये देखेंगे, ये अब तक का जो सारा डेवलपमेंट देखते हैं, विकास देखते हैं, हम सारा का सारा एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। अब इस एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सबसे पहले कौन आ रहा है, आप इसे समझने की कोशिश, विकास में हम यही समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन में, कि विकास किस तरीके से हमें दिख रहा है, कि कैसे हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और एक्वेटिक एनवायरनमेंट से जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आते हैं तो हमें, या उस समय के जो तत्कालीन जो एनिमल्स थे उनको क्या क्या परेशानी आई, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रकृति ने उनमें, उन प्राणियों में किन किन नई संरचनाओं को उत्पन्न किया। अब वो कौन कौन सी संरचनाएं, देखिए आप सबसे पहले आप ही देखिए, फिशीज की हम बात करते हैं। फिशीज में प्लेकोडर्माई, कॉन्डियोक्सीज, ऑस्टियोक्सीजन में जान लिया कि पहले जो काल की जो मछलियां जो कि अब विलुप्त हो गई है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये कॉन्डियोक्सीज कार्टिलेज वाला कंकाल है, ये बोनी कंकाल है। बोनी फिश की जो स्पीसीज है, तीन हमारे पास में बोनी फिश पाई जाती है, लंग फिश जिसे हम कहते हैं। लंग फिश तीन हैं, एक तो प्रोटोप्टेरस जो अफ्रीका में पाई जाती है, एक लेपिडोसायरन जो लेटिन अमेरिका में पाई जाती है, न्यूसिरोटोडस जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आप मजेदार चीज देखिए कि ये जो लंग फिश जिनकी हम बात कर रहे हैं, लंग फिश की बात करते हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन, न्यूसिरोटोडस, इनमें खास बात क्या है कि लेटिन अमेरिका में जो लेपिडोसायरन पाई जाती है इनमें फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। यदि नदियों का पानी सूख जाए तो इस फेफड़े के जो एक पैर हैं उससे काफी लंबे समय तक जीवित रह सकती है, और वो जो कम पानी है, पानी की जहाँ स्केरसिटी है उसमें जीवित रहती है। वहीं अब दूसरी लिंक वाला जो ये लंग फिश है, न्यूसिरोटोडस को देखेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसमें एक सिंगल हाईली वेस्कुलर लंग्स होता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये जमीन में, जहाँ पानी के नीचे तल पर जमीन में, वैसे ही गमन करती है जैसे कि टेट्रापोड चलते हैं। वापिस देखिए आप, टेट्रापोड
टेट्रापोड फोर लिम और हैंड लिम यहाँ उपस्थित है, पेंटाडेक्टाइल है, पांच उंगलियां पाई जाती है यहाँ पर। टेट्रापोड जैसा मूवमेंट नहीं है, एपिसीज में नहीं है, ये तो फिंस की सहायता से मूवमेंट होता है। आप पानी में जीवित रहने के लिए फिंस को देखेंगे तो इनका शरीर धारा रेखित शरीर होता है, टेल फिन और फिंस होती है। ये तो स्ट्रक्चर्स फिश वाली हो गई, लेकिन आप यहाँ निओसेरोटोडस में एक खास बात देखेंगे कि ये नीचे पानी के तल पर जब चलेगी तो वैसे ही चलती है जैसे कि टेट्रापोड गमन करता है। ये करेक्टर जो पहले एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ने में इन करेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसको हम समझ सकते हैं इसमें। अब ये एनिमल पहली बार एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल यानी कि जलीय वातावरण से ये स्थलीय वातावरण में आ रहे हैं। अब ये जलीय वातावरण से जब पहली बार स्थलीय वातावरण में आ रहे, कौन आ रहे हैं? ये आ रहे हैं जिसकी हम बात करें, एम्फीबियंस। अब ये जब जमीन से, जमीन पर पानी से निकलकर जमीन पर आएंगे तो उनको क्या क्या दिक्कत आएगी? पहली दिक्कत तो ये आएगी, इनको वाष्प से बचना पड़ेगा, इनके शरीर की जो सतह है उस पर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण में परिवर्तन होगा। इनकी ग्रेविटी से बचने के लिए इनकी रीढ़ की हड्डियों मजबूत हो गई, इनके पाओं का विकास ज्यादा होगा क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति इनको जमीन की तरफ खींच रही है। टेट्रापोड्स है ये, चाहे फोर लिम और हैंड लिम से चल रहे हैं तो ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी चलने के लिए इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई। अब देखिए मूवमेंट में अंतर देखिए, मछलियों में जो गति होती है वो टेल से होती है और पेयर्ड फिन जो यहाँ होते हैं संतुलन का कार्य करते हैं। एम्फीबियम में उल्टा हो गया कि एम्फीबियम में पेयर्ड फिन यानी टांगे, पेयर्ड फिन जिसको हम कहें, या फोर लिम और हैंड लिम जो संरचना है, फिशेज में पेयर्ड फिन होती है, यहाँ पेयर्ड फिन नहीं है। यहाँ पर जो संरचना क्या है, फोर लिम और हैंड लिम, इनसे गति होती है और बैलेंस करने का जो कार्य होता है वो टेल से करता है। ये परिवर्तन हो गया। अब एम्फीबियन की एक लिमिटेशन है, ये जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से पहली बार जो एम्फीबियंस को हम देख रहे हैं, एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तो आगे, लेकिन एम्फीबियंस की एक लिमिटेशन है कि एम्फीबियंस पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इनको रिप्रोडक्शन के समय एक्वेटिक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, इनको पानी के पास आना ही पड़ता है। अब अगर पानी से थोड़ा दूर भी चले गए, थोड़ी दूर तक चले भी गए, लेकिन जब भी प्रजनन काल होगा, इनको प्रजनन काल में फर्टिलाइजेशन के इनिशिएशन के लिए, प्रजनन के लिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आना ही होगा, इसलिए एम्फीबियंस की थोड़ी लिमिटेशन होती है। इनको अगर प्रजनन काल के समय जो वापिस आना पड़ता है उस स्थिति से अगर छुटकारा मिल जाए तो ये काफी दूर तक जा सकते हैं भोजन की तलाश में, इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ क्लासिफिकेशन में देखिए, हमने रेप्टाइल को, एविस को और मेमेलिया को एमनियोटा में क्लासिफाई किया। एमनियोटा यानी इनको ये इस समूह में एमनियोटा में रख रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि इनमें एमनियोन झिल्ली पाई जाती है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ने क्या कार्य किया कि विकास के सारे प्रोसेस को बदल दिया एम्फीबियंस तक। यहाँ इनको लिमिटेशन है कि आप बाहर जाएं, लेकिन आपको जनन के लिए वापिस, प्रजनन के लिए वापिस आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आना ही पड़ेगा। रेप्टाइल्स में सबसे पहली बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है चार होती है, एलेंटोइस, योक्सेक, एमनियोन और कोरियोन। एमनियोन, एमनियोन में एमनियोटिक फ्लूइड फ्लूड होता है, डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को ये यही एहसास कराते हैं कि आप जमीन पर नहीं हो, आप पानी में ही हो, क्योंकि उस डेवलप होते हुए एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एमनियोटिक झिल्ली होती है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। कोरियोन श्वसन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एलेंटोइस उत्सर्जन के लिए, योक्सेक ऊर्जा के लिए, नरिशमेंट के लिए। तो इन्होंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ने ये जो एम्फीबियंस के साथ ये लिमिटेशन थी कि आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जाना है लेकिन प्रजनन के लिए वापस आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आना ही पड़ेगा, इस लिमिटेशन से इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ने एम्फीबियंस को मुक्ति दिला दी। हम पढ़ते ना कि मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ डायनासोर्स भी हैं। ये एज ऑफ रेप्टाइल्स का ना यहाँ या वहाँ पर रेप्टाइल्स की मात्रा का बहुत ज़्यादा पाया जाना, उसके पीछे इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की भी भूमिका है।
क्योंकि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गई, अब एक्वेटिक एनवायरमेंट को वापस नहीं आना, एक्वेटिक एनवायरमेंट में प्रजनन के लिए इनको वापस नहीं आना, यानी एक बार टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में चले गए कितने भी दूर जा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गए जिन क्षेत्रों में पहले कभी कोई रेप्टाइल्स गया ही नहीं, वहां गए, इनको प्रचुर भोजन मिला, इनका विकास ज्यादा हुआ, इसलिए मेजोजोइक एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, वहां रेप्टाइल्स की संख्या सबसे ज्यादा है। अब विकास के प्रक्रम में देखें, अब तक जो सारा प्रोसेस था ये जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक एनवायरमेंट में, फिशेज एक्वेटिक एनवायरमेंट में कुछ फिश, लंग फिश जिनकी हम बात करते हैं, जिनका हमने उदाहरण दिया एक प्रोटोप्लास्ट लेपिडोसायरन और न्यूसिरोट्रोडस, ये लंग फिश ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं लंग्स का विकास हो रहा है, कहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं लेपिडोसायरन जिसमें एक पेयर होता है, न्यूसिरोट्रोडस इसमें एक सिंगल हाईली वेस्कुलर लंग्स होता है, ये कुछ समय पानी के बाहर भी गिल्स के बगैर भी श्वसन करके, लंग से श्वसन करके जीवित रह सकती है, ये इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ाने वाला लक्षण है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में श्वसन जो होता है वो गिल्स की सहायता से नहीं होता, वो लंग्स की सहायता से होता है, अगर एम्फीबियंस को देखेंगे तो श्वसन लंग्स की सहायता से हो रहा है, लेकिन एम्फीबियंस के साथ जो मैंने अभी बताया ना, कोई लिमिटेशन है कि एम्फीबियंस को प्रजनन काल में वापस लौटना पड़ता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ने इनको उनसे मुक्ति दिला दी, और अब जो ये एमनियोटा जो है, यहाँ रेप्टिलिया जहाँ पहली बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यह वीज में भी है मेमल्स में। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस अब तक जो चल रहा था वो एक्वेटिक एनवायरमेंट में था, जीवन के लिए संघर्ष उस समय के जो एटमोस्फियर रहे होंगे, उस समय के जो एनवायरनमेंट रहे होंगे उसमें जीवन का सारा संघर्ष पहले एक्वेटिक एनवायरनमेंट था, उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में से सबसे पहली बार बाहर निकलने का आ रहे हैं एम्फीबियंस, लेकिन उनकी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को तोड़ने का काम किया रेप्टाइल्स ने, लेकिन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, पहले सारी प्रजातियां, सारे प्राणी, सारे एनिमल एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट से निकलकर अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के कारण ये जो बहुत सारी चीजें हुई है उससे नई संरचनाएं डेवलप हुई, नई स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई, और ऐसी क्लास डेवलप हुई जो जिसमें एरियल एडेप्टेशन थे, ये एरियल एडेप्टेशन इन प्राणियों को वायवीय वातावरण में भी मुक्त रूप से गति करने में सहायता देती है, ये जिसकी हम बात करें एम्फीबियंस पहली बार बाहर निकली, रेप्टिलिया टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पूरे रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जीवित रह सकते हैं, एवीज ये एरियल एनवायरनमेंट में भी, मैमल्स, मैमल्स की खास बात ये हो गई कि सभी एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल में हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एरियल में हैं, ये विकास के प्रक्रम में देखना पड़ेगा, ये जो पहले प्रिमिटिव एनिमल थे ये नोटोकोड वाले थे, ये हायर कोड डेटा वाले जो एनिमल होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, या नोटोकोड की जगह वर्टिबल कॉलम है, मैंने अभी आपको बताया कि वर्टिबल कॉलम किस तरीके से अगेंस्ट द ग्रेविटी टेट्रापोड्स को चलने के लिए मजबूत स्ट्रक्चर्स बनती गई है, ताकि अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर लिम और हाइंड लिम की वजह से वो मूवमेंट कर सकें, वर्टिबल कॉलम काफी स्ट्रांग हो गई है। एम्फीबियंस जो होता है उन एम्फीबियंस को पहली बार बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन किसी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को तोड़ने का कार्य जो किया है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ने किया, जो रेप्टाइल्स में स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस जो पहले एक्वेटिक एनवायरमेंट में था वहां से टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में होगा, एवी जो है ये एरियल एनवायरमेंट के लिए अडेप्टिव होते हैं, और लास्ट वन मेमल जिसमें हम सब लोग आते हैं, हम सारी दुनिया पर राज करते हैं, चाहे वो स्थलीय वातावरण हो, चाहे वो वायवीय वातावरण हो, चाहे वो जलीय वातावरण हो, मेमल्स ये विकास के प्रक्रम में क्लासिफिकेशन को हम समझ सकते हैं, या विकास के प्रक्रम में हम कोऑर्डिनेट के क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। कल जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम प्रोटो कोऑर्डिनेटा पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोटो कोऑर्डिनेटा में कौन कौन सी क्लास होती है, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, ये हमको पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है हमने ये कोऑर्डिनेटा के क्लासिफिकेशन को पढ़ा है कि विकास के प्रक्रम में इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ जब इनका क्लासिफिकेशन अपन करते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, क्या क्या संरचनाएं होती है जिनका निर्माण हुआ है, आगे वाली क्लासेज में हम प्रोटो कोऑर्डिनेटा के बारे में बात करेंगे।